आपका पॉट सिलेक्शन कैसा हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे अपने एक छोटे से एडेनियम को, लेकिन साथ में एक डिसएडवांटेज भी रहेगा, अगर थोड़ा सा पानी इसमें अटक गया, कभी बारिश हो गई या आपसे ज़्यादा पानी पड़ गया और अगर पानी नहीं सूखा तो ये एडेनियम आपका मर भी सकता है। ये मेरा करीब करीब 7-8 महीने का है, करीब एक साल से ज़्यादा का है, 1.5 साल 1.5 साल के आसपास का है। तो इसके लिए जो हमने पॉट सिलेक्शन ये लिया है, तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हमारी सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए और इसके लिए आपने एडेनियम के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है ये आप सब जान चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉट सिलेक्शन कैसा हो। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पॉट सिलेक्शन की। तो इस वक्त हमारे नॉर्दर्न इंडिया में खासतौर पर एडेनियम को दोबारा से रिपोर्ट करने का टाइम है। दोस्तों मेरे पास एडेनियम के आपके बहुत सारे क्वेश्चन जब आते हैं, मैं आपसे फोटोज भी मांगता हूँ, तो मैंने देखे होते हैं कि आपका एडेनियम बहुत लेंदी हो रखा होता है, आपका पॉट सिलेक्शन सही नहीं होता है, क्योंकि आपने बड़े से गमले के अंदर उसको लगाया हुआ होता है और वो ग्रोथ ले रहा होता है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। फिर आप कहते हैं कि हमारा एडेनियम 1.5 साल 2 साल का हो गया, उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। अगर आप एडेनियम को आप बहुत बड़े स्टार्टिंग में ही बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे तो वो ग्रोथ लेता रहेगा, जब तक कि 2.5-3 साल का ना हो जाए वो अपनी फ्लावरिंग नहीं देगा। तो एडेनियम को आपने धीरे धीरे शिफ्ट करना है। तो मैं भी आपको छोटे से लेके बड़े एडेनियम को कैसे आपने पॉट लगाना है, कितना बड़ा पॉट आपको चाहिए, उसी हिसाब से इसमें डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे अपने एक छोटे से एडेनियम को। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में एडेनियम जो देख रहे हैं, देखिए ये मैंने विंटर में ग्रो किया था, ये मैंने अक्टूबर के अंदर इनको डाल दिया था, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि एडेनियम मेरे विंटर में बच जाएंगे, लेकिन मैंने बड़ी देखभाल करते हुए इनको एडेनियम को बचा के रखा और अब मैंने इनको रिपोर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार के एडेनियम जब आपके हैं, यानी कि सीडलिंग से आपके एडेनियम्स होते हैं, आप उनको कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के छोटे छोटे पॉट्स में आप उनको लगाएं, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के एडेनियम को अगर हम इतने बड़े पॉट पर लगा देंगे तो दोस्तों ये ग्रो जल्दी होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि इस एडेनियम को अगर मैं इस पॉट में लगाऊंगा तो ये ग्रो जल्दी होगा, लेकिन साथ में एक डिसएडवांटेज भी रहेगा, अगर थोड़ा सा पानी इसमें अटक गया, कभी बारिश हो गई या आपसे ज़्यादा पानी पड़ गया और अगर पानी नहीं सूखा तो ये एडेनियम आपका मर भी सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडेनियम के लिए कि आपका छोटा सा एडेनियम बड़े पॉट में आपने लगा दिया तो उसमें मरने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो छोटा सा एडेनियम है आपका 1, 2, 3 या 4 महीने का, तो इस प्रकार से आपने छोटे से जो एक प्लास्टिक के कप आते हैं या छोटे छोटे इस प्रकार के जो पॉट आते हैं हमारे, उनमें आप इनको लगा सकते हैं। इससे भी छोटे जो पॉट आते हैं उनके अंदर लगा सकते हैं। और इसमें जब आप इस एडेनियम को जब आप लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें 60% से लेकर 70% आपका कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड होती है सिर्फ वो हो, और साथ में थोड़ा सा नीम खली और साथ में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट हो, इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये हो गई हमारे छोटे एडेनियम की बात। इससे बड़े एडेनियम की अब हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो आप एडेनियम देख रहे हैं ये मेरा करीब करीब 7-8 महीने का है, आपको साइज बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि 4 महीने हमारा ये एडेनियम बिल्कुल डॉर्मेंसी पीरियड पर रहा है, तो इसने अपनी ग्रोथ नहीं ली है। जब ये 4-5 महीने का था इसी प्रकार से छोटे छोटे उसमें हमने इसको लगा रखा था, लेकिन ये सर्दियों के अंदर क्योंकि इसने बिल्कुल अपनी ग्रोथ नहीं ली है तो वैसे का ऐसे ही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से जो आप ये देख रहे हैं लगभग 3 इंची का गमला है हमारा, इसके अंदर हम इसको लगा देंगे तो ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार का एडेनियम अगर आपके पास हो तो आप उसको 3 इंची के उसमें गमले में लगाइए। दोस्तों इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हम आते हैं, ये आप एडेनियम देख रहे हैं, ये लगभग 8 या 9 महीने के आसपास में है, इनकी ग्राफ्टिंग भी हो रखी है, आप ये देखिए। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ तो मैं इसको लगाऊंगा करीब इस प्रकार से 5 या करीब ये दोस्तों 4 या 5 इंची का पॉट है, इतना बड़ा पॉट है, और इसके अंदर लगाऊंगा और इसके अंदर ये बिल्कुल सही रहेगा और धीरे धीरे ये अपने आप बढ़ता रहेगा। फिर इसको 1 साल के बाद या 8-9 महीने के बाद हम इसको आराम से इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे बड़ा एडेनियम थोड़ा सा अगर हम चले और ये देखिए, ये वाला एडेनियम जो हमारा है आप जो देख रहे हैं ये करीब 1 साल से ज़्यादा का है, 1.5 साल 1.5 साल के आसपास का है। तो इसके लिए जो हमने पॉट सिलेक्शन ये लिया है, ये करीब 8-7 इंची के आसपास जो पॉट होते हैं, यानी कि इसको हम इस प्रकार से डालें और इसके रिम के चारों ओर जो है 1-1 इंच या 1.5 इंची का स्पेस बच जाए तो वो बहुत बेस्ट है इसके लिए। तो इस प्रकार के एडेनियम आप लगाएं। अब इससे बड़े एडेनियम में आते हैं दोस्तों, 2-2.5 साल और इस प्रकार के जो एडेनियम हमारे हो जाते हैं या इस प्रकार के जो एडेनियम हो जाते हैं तो इनको आपने कैसे लगाना है। अब आपने इनको कोशिश करनी है इनको ज़्यादा गहरे पॉट में न लगा के, इनके लिए आप जो पॉट सिलेक्शन लेंगे वो सैलो पॉट लीजिए, क्योंकि इनको जितना गहरे में आप लगाएंगे उतना एडेनियम को मरने की बाद में विंटर में संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सैलो पॉट में लगाइए और रूल वही रखिए कि लगने के बाद इसका जो साइड में जो स्पेस बचता है वो करीब करीब 1-1.5-2 इंची के आसपास में बच जाए। आप ये देख रहे हैं एडेनियम को, इसको मैं रख के देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं दोस्तों इसमें साइड में यहाँ से बिल्कुल 0.5 इंची का करीब यहाँ से स्पेस बच रहा है। लेकिन अभी मेरे पास ये स्पेस अभी मेरे पास ये पॉट नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़बरदस्ती इसको लगा रहा हूँ,
लेकिन मैं जल्दी ही इसको इसमें से चेंज कर दूंगा, दूसरे पॉट में लगा दूंगा। इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे तो इसका भी वही हाल है कि ये लास्ट ईयर इसी में ही था, मैंने इस बार इसमें ध्यान नहीं दिया, मैं अभी तक इसका पॉट लेके नहीं आया हूँ, ना मेरे को ऐसे बड़े पॉट मिल रहे हैं इजिली। जब मेरे को इसका पॉट मिल जाएगा तो थोड़ा सा बड़े पॉट्स में इसी प्रकार से सैलो पॉट में ही मैं इनको लगाऊंगा, गहरे पॉट में बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। आप टब भी होते हैं, दूसरे वाले जो टब होते हैं उनको आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसे एडेनियम्स को सैलो पॉट में ही लगाएं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उनको थोड़ा सा बड़े वाले गमलों में लगाते हुए अभी फिलहाल रख सकते हैं। तो ये पॉट सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको एक वीडियो आज बनाई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।